हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बजाना है तुमियो का गिटार सोलो गिटार में। तो बहुत ही सिंपल है, आपको मैं हर एक स्टेप समझाऊंगा तमीज़ से। तो स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैं कौन सी स्ट्रिंग को किस नेम से बुलाऊंगा। तो जो सबसे थिन स्ट्रिंग है, सबसे पतली वाली, इसको मैं कहूँगा फर्स्ट स्ट्रिंग, इसके ऊपर वाली को सेकंड, इसके ऊपर वाली को थर्ड, इसके ऊपर वाली को फोर्थ, फिफ्थ और सबसे मोटी वाली को सिक्स्थ। तो 6 5 4 3 2 1। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला साउंड है सॉन्ग का, जो सबसे पहला पार्ट है सॉन्ग का, वो कुछ ऐसा है। तो बेसिकली इंट्रो है। तो इंट्रो बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना है, थर्ड फिंगर रखनी है आपको 9th फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग के, फिर 8th फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग के सेकंड फिंगर, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग में 7th फ्रेट, फिर वापस 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। तो ये है 9 ऑन 3rd, फिर 8 ऑन 2nd, 7 ऑन 1st, फिर सेकंड स्ट्रिंग में 8। तो ये ऐसे है। फिर जो अगला है वो है आपको सेकंड फिंगर रखनी है 8th फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग के, फिर वापस सेकंड स्ट्रिंग में 8th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग में 10th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग में 7th फ्रेट। तो स्लो में आपको एक बार बजा के दिखाते हैं कैसे लगेगा ये। तो ये दो बार बजा है सॉन्ग में, तो दो बार ये कुछ ऐसा बजेगा। तो यहाँ पर आपको इंट्रो खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है सॉन्ग का पार्ट जो है। तो बहुत सिंपल पार्ट है ये भी, बस इसमें एक हैमर ऑन यूज हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला पार्ट हम सिंगिंग वो ये होगा। तो इसको बजाने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले आना है फर्स्ट स्ट्रिंग में 7th फ्रेट, फिर 10th फ्रेट से 12th फ्रेट में स्लाइड मारना है, फिर 2 बार 10, फिर 2 बार 8, फिर 1 बार 7। तो ये ऐसे लगेगा। स्लो में आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर जो अगला पार्ट है वो जैसा है। तो सिंपली आपको करना है सेकंड स्ट्रिंग में 10th फ्रेट, फिर 8th फ्रेट, फिर वापस 10th फ्रेट, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग में 7th फ्रेट से 8th फ्रेट में हैमर ऑन, फिर पुल ऑफ और फिर वापस 7। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो स्टार्टिंग से अभी तो आपको जहाँ तक सीखा वहाँ तक बता देता हूँ कैसे बजाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर जो अगला पार्ट है वो ये है। तो ये भी बहुत सिंपल पार्ट है, इसमें आपको सबसे पहले करना है सेकंड स्ट्रिंग में 10 2 बार और फिर 1 बार 8, फिर ये चीज दोबारा रिपीट होगी। तो ये 2 बार है 10 10 8, फिर 1 बार 7, फिर आपको करना है थर्ड स्ट्रिंग में 9th फ्रेट, फिर 7th फ्रेट, फिर वापस 9th फ्रेट। तो ये आपको स्लो में जाकर दिखा देता हूँ। तो ये है, तो यहाँ तक हो गया। फिर जिसके बाद का पार्ट है वो जैसा है। तो अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल सेम है, बस स्टार्टिंग में आपको जैसे आपने पिछले वाले में हम तेरे बिना रह नहीं सकते मैं आपने हम ऐसे करा था, तो आपको तुझसे जुदा में आपको बस ये जो पहला वाला जो नोट था इसको 2 बार बजाना है। जैसे हम तेरे में आपको 1 बार बजाना था, तो इसमें आपको बस 2 बार बजाना है और फिर आगे का बिल्कुल सेम है। तो यहाँ तक हो गया सॉन्ग। फिर आता है सॉन्ग का मेन पार्ट जो कुछ ऐसा है। तो इसको बजाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जो सबसे पहला पार्ट होगा वो ये है। तो इतना बजाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी मिडिल फिंगर रखनी है 8th फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग के, फिर 10th फ्रेट में, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 7th फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, फिर 10th फ्रेट। तो स्लो में दिखा देता हूँ। फिर जो अगला पार्ट है वो जैसा है।
तो इस वाले के लिए आपको वही चीज़ करनी है, आपको मिडिल फिंगर लानी है 8th फ्रेट में सेकेंड स्ट्रिंग के, फिर 10th फ्रेट, फिर 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर वापस 10th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 8th फ्रेट और फिर 10th फ्रेट। तो यहाँ तक हो गया। अब आपको स्लो में बजाकर दिखा देता हूँ दोनों पार्ट। तो जो अगला पार्ट है सॉन्ग का वो जैसा है।